दोस्तों, दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चे बहुत सारे गुणों में अपने माँ बाप से हूबहू मिलते रहते हैं। जैसे अगर मनुष्य का कोई बच्चा पैदा होता है तो अपने माँ बाप की तरह से ही उस बच्चे की बॉडी का शेप, आकार, बॉडी का रंग, बहुत सारे गुण उसके माँ बाप से हूबहू मिलते हैं। और यह गुण किस आधार पर आपस में मिलता है, इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, जैसे मनुष्य का गुण उसके बच्चों में हूबहू चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जितने भी धरती पर पाए जाते हैं, जैसे बिल्ली यदि बच्चों को जन्म देती है तो बिल्ली के बच्चे हूबहू अपनी माँ के समान ही होते हैं, जो उनके गुणों को मैच करता है। दोस्तों, यह गुण किस आधार पर माँ बाप से बच्चों में जाता है, इन सब चीज़ों की चर्चाएं इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, केवल जीव जंतु ही नहीं, पेड़ पौधों में भी यह गुण सेम टू सेम अपने पेरेंट से उनके बच्चों में चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि मुर्गी अंडे देती है और उन अंडों से यदि बच्चे निकलते हैं तो उनके बच्चे भी हूबहू अपनी माँ की तरह से ही होते हैं, जो अपने माँ बाप के बहुत सारे गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि माँ बाप के सारे लक्षण, सारे के सारे गुण उनके बच्चों में क्यों क्यों चले जाते हैं और इनको ले जाने का काम कौन करता है? दोस्तों, इस धरती पे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, यहाँ तक कि छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव और पेड़ पौधों में भी उनके माँ बाप के लक्षण उनकी अगली पीढ़ी में पहुँच जाते हैं, और यह गुण ले जाने का काम जो करता है उसका नाम है DNA। दोस्तों, पहले के लोग शायद इस बात को नहीं जान पाते थे कि आखिर माँ बाप के लक्षण उनके बच्चों में क्यों चले जाते हैं, लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया और यह पता लगा लिया कि लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने का काम जो करता है वो होते हैं DNA, और ये DNA गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं जिनको जीन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के वैज्ञानिकों ने इस बात को पता लगा लिया है कि लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने का काम DNA के द्वारा होता है। दोस्तों, जैसा अभी आपको पता चला कि DNA गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और गुणसूत्र जो है हमारी हर कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 46 होती है, और प्रत्येक गुणसूत्रों पर जीन के रूप में ये DNA पाए जाते हैं। दोस्तों, जीन ही वो फैक्टर होते हैं, या कह सकते हैं कि वो चीज़ें होती हैं जो गुण अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं, और जीन DNA पर ही उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में DNA के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, DNA का डबल हेलिकल मॉडल जिन दो वैज्ञानिकों ने दिया था उनका नाम है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। दोस्तों, इन दोनों वैज्ञानिकों ने इरविन सैरगैफ, रोजेलिन फ्रैंकलिन व मॉरिस विल्किंस के द्वारा जो भी आंकड़े एकत्र किए गए थे उसके आधार पर ही सन 1953 में DNA अणु की संरचना का त्रिविम मॉडल यानी थ्री डायमेंशनल मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे DNA का डबल हेलिकल मॉडल भी कहा जाता है। और इस काम के लिए इन दोनों को सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए जानते हैं DNA के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड नामक मोनोमर्स का बना हुआ पॉलीमर यानी बहुलक होता है, और DNA अणु की रासायनिक संरचना तीन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। उसमें पहली चीज़ जो होती है वो होती है पेंटोज शर्करा यानी पेंटोज शुगर, जिसमें पांच कार्बन की बनी हुई एक संरचना होती है जिसका रासायनिक सूत्र C5H10O4 होता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो DNA अणु में पाई जाती है वो होती है फास्फेट समूह, जो PO4 के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ DNA अणु में उपस्थित होती है वो होती है नाइट्रोजन क्षार, जिसको इंग्लिश में नाइट्रोजन बेस भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले पेंटोज शर्करा, जिसको डी ऑक्सी राइबोज शुगर भी कहा जाता है। दोस्तों, डी ऑक्सी राइबोज शुगर
का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O4 होता है, जो एक पेंटोज शुगर होता है और यह एक वलय यानी रिंग के रूप में पाया जाता है। इसी तरह से DNA अणु में जो दूसरी चीज़ पाई जाती है वो होती है फॉस्फेट समूह, जो PO4 के रूप में उस DNA अणु के साथ जुड़ी होती है। इसी प्रकार DNA अणु में जो तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन क्षार, जिसको नाइट्रोजन बेस भी कहा जाता है, और ये दो प्रकार की होती है, पहला प्यूरीन और दूसरा पिरिमिडीन। दोस्तों प्यूरीन और पिरिमिडीन में यह अंतर होता है कि प्यूरीन डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, जबकि पिरिमिडीन सिंगल रिंग यानी एक वलय के द्वारा बनी हुई संरचना होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं प्यूरीन बेस के बारे में। दोस्तों प्यूरीन बेस DNA में दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला एडेनिन होता है जिसको ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसी प्रकार दूसरा प्यूरीन बेस गुआनिन होता है जिसको इंग्लिश के कैपिटल जी अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार दूसरे प्रकार का नाइट्रोजन क्षार जिसको पिरिमिडीन बेस कहा जाता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है थायमिन जिसको इंग्लिश के टी अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा होता है साइटोसिन जिसको इंग्लिश के सी अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके इन नाइट्रोजन बेस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। यह स्ट्रक्चर एडेनिन का है, और एडेनिन एक प्यूरीन बेस होता है जो डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। इसी प्रकार यह गुआनिन डबल रिंग का स्ट्रक्चर है, और यह पिरिमिडीन थायमिन बेस का सिंगल स्टैंडर्ड यानी सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर है, और यह साइटोसिन नाइट्रोजन बेस का सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर है। दोस्तों यह नाइट्रोजन बेस यानी थायमिन और एडेनिन जब भी आपस में DNA के अणु में जुड़ते हैं तो हमेशा टी ए के द्वारा जुड़ता है, और उनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। तो इस तरह से हमेशा DNA के अणु में थायमिन और एडेनिन आपस में दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक इसी प्रकार DNA अणु में साइटोसिन हमेशा गुआनिन के द्वारा जुड़ा होता है, और एक साइटोसिन एक गुआनिन से जब जुड़ता है तो उनके बीच में तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से DNA अणु की संरचना में साइटोसिन हमेशा गुआनिन के द्वारा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके DNA अणु की संरचना के निर्माण में सहयोग करता है। दोस्तों DNA अणु की संरचना को समझने के लिए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों न्यूक्लियोसाइड तब बनता है जब डीऑक्सीराइबोस शुगर किसी एक नाइट्रोजन क्षार के साथ जुड़ता है। तो जब शुगर यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर किसी नाइट्रोजन क्षार के द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में एन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्योंकि नाइट्रोजन क्षारों की संख्याएं चार होती हैं, तो इस प्रकार से चार प्रकार के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण DNA अणु में होता है, जिसमें से पहले का नाम होता है डीऑक्सी एडिनोसिन, दूसरा होता है डीऑक्सी गुआनोसिन, तीसरा होता है डीऑक्सी थायमिडीन, और चौथे प्रकार के न्यूक्लियोसाइड का नाम है डीऑक्सी साइटिडीन। तो इस प्रकार से DNA के अणु में चार अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है, जो डीऑक्सीराइबोस शुगर और किसी एक नाइट्रोजन क्षार के आपस में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ने के द्वारा बनता है। ठीक इसी प्रकार यदि डीऑक्सीराइबोस शुगर से एक नाइट्रोजन क्षार और उसके साथ फॉस्फेट समूह यानी तीनों डीऑक्सीराइबोस शुगर नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट समूह तीनों आपस में जुड़ जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और क्योंकि नाइट्रोजन क्षार की संख्या DNA अणु में चार प्रकार के होते हैं तो इस आधार पर न्यूक्लियोटाइडों की संख्या भी चार प्रकार की होती है, जिसमें से पहला न्यूक्लियोटाइड का नाम होता है डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, दूसरा होता है डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड, तीसरे प्रकार होता है डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड, और चौथा न्यूक्लियोटाइड होता है डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। तो अभी तक हम लोगों ने यह जाना कि न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ किसी एक नाइट्रोजन क्षार
और फॉस्फेट ग्रुप के आपस में जुड़ने के द्वारा एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है और चार अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड डीएनए में फॉर्म होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने के लिए इस चित्र को देखिए। यह तीर द्वारा दिखाया गया पेंटोस शुगर है जो कार्बन नंबर एक के द्वारा किसी एक नाइट्रोजन क्षार के द्वारा आपस में जुड़ता है। देखिए यह एक नाइट्रोजन क्षार है जो पेंटोस शुगर के पहले वाले कार्बन के साथ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना करके जुड़ जाता है और यह है कार्बन पांचवा पेंटोस शुगर का जो पांचवे कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने के द्वारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखने के लिए इस तीर को देखिए। यह एक न्यूक्लियोटाइड है जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ आपस में जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, इस तरह से जुड़ता चला जाता है और न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी सी श्रृंखला बन जाती है। और इसी प्रकार से एक दूसरा हेलिक्स भी होता है जिसमें भी इसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं और जब दोनों हेलिक्स आपस में एक साथ आते हैं तो उनके नाइट्रोजन क्षारों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। जैसा कि आपको पीछे बताया गया है कि एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बना लेता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना करके आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से दो दो लंबी लंबी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएँ आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाती हैं और इस तरह से डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बनता है, यानी द्विकुंडलित संरचना बनती है। तो डीएनए की संरचना को समझने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ बैकबोन होता है, यानी हेलिक्स होता है, और दो दो हेलिक्स आपस में बेस पेयर, यानी इस चित्र में एडेनिन और थायमिन को आपस में जुड़ा हुआ दिखाया गया है। इसी प्रकार से साइटोसिन और गुआनिन भी आपस में जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ए हमेशा टी और जी हमेशा सी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्रमशः जुड़ते चले जाते हैं और एक लंबी सी श्रृंखला बन जाती है जिसको पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहा जाता है और इसी को ही डीएनए कहा जाता है। अर्थात डीएनए न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला की एक लंबी सी चेन होती है जिसको पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला भी कहा जाता है। तो इस तरह से इस चित्र में देखिए कि डीएनए जब आपस में एक दूसरे के साथ क्वाइल्ड होते हैं तो एक उसमें माइनर ग्रुप का फॉर्मेशन होता है और एक उसमें मेजर ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। और जहाँ पे उसकी एक क्वाइल्ड पूरी होती है उसकी लेंथ 3.4 नैनोमीटर या लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है और किसी दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और एक डीएनए के दोनों हेलिक्स की आपस में जो चौड़ाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम यानी 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। तो दोस्तों, अभी तक के वीडियो में आपने यह जान लिया कि डीएनए में दो दो हेलिक्स आपस में क्वाइल्ड होते हैं और जब क्वाइल होता है तो उसमें मेजर और माइनर ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसमें 10 पेयर के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम और डीएनए की चौड़ाई लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इसी प्रकार डीएनए की संरचना को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है कि दोनों डीएनए के हेलिक्स एक समान नहीं होते हैं। दोस्तों, इसमें से पहला स्ट्रैंड 5 से 3 की तरफ यानी 5 कार्बन से 3 कार्बन की तरफ होता है और इसी प्रकार से दूसरा स्ट्रैंड 3 वाले कार्बन से 5 वाले कार्बन के तरफ होता है, यानी दोनों डीएनए के स्ट्रैंड यानी दोनों डीएनए की श्रृंखलाएँ आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं, न कि पैरेलल होती हैं। दोस्तों, डीएनए में एक बहुत ही खास तरह का गुण पाया जाता है और वो ये होता है कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है जिसको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहा जाता है। इस तरह से जब डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसके दोनों हेलिक्स आपस में अनक्वाइल्ड हो जाते हैं और उसका एक हेलिक्स एक दूसरे डीएनए को फॉर्म करता है और एक पहले डीएनए का दूसरा हेलिक्स किसी दूसरे डीएनए को फॉर्म करता है। तो इस तरह से एक डीएनए से दो दो डीएनए का फॉर्मेशन होता है और इसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन कहा जाता है और यह आनुवंशिकता की प्रक्रिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो चलिए अब जानते हैं डीएनए के कार्य के बारे में। दोस्तों, डीएनए
बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य करता है आनुवंशिकता के प्रोसेस में, जिसमें से पहला काम होता है कि यह आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। इसी प्रकार से डीएनए का एक दूसरा मुख्य इम्पॉर्टेंट काम होता है, और वो ये होता है कि प्रोटीन संश्लेषण की सूचना मैसेंजर आरएनए द्वारा राइबोसोम में भेजता है। इसी प्रकार से डीएनए के द्वारा ही जीवों में उत्परिवर्तन होते हैं, जिसके द्वारा बहुत सारे गुणों में विभिन्नताएं आ पाती हैं। इसी तरह से डीएनए क्रोमेटिन जाल का अधिकांश भाग बनाने का भी काम करता है। और डीएनए का एक और महत्वपूर्ण काम है, और वो ये है कि यह एंजाइम्स के निर्माण को नियंत्रित करने का काम करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो डीएनए हमारे जीवन में एक बहुत ही उपयोगी काम करने के लिए प्रसिद्ध होता है, और इसका सबसे प्रमुख काम यह होता है कि यह माँ बाप के लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुँचाने का काम करता है, और इसे ही आनुवंशिक गुण कहा जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यह जाना कि डीएनए हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, और इसी के द्वारा लक्षण अगली पीढ़ी में पहुंच पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने विस्तार से डीएनए की संरचना के बारे में जानने की कोशिश की, और उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।